नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ई वे बिल के बारे में। तो यहाँ पर मैंने ई वे बिल का जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम पर्टिकुलर करते क्या है कि जब भी हमें ई वे बिल बनाना होता है तो हम केवल ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ, जनरेट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ई वे बिल अपना जनरेट कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को केवल इन्हीं ऑप्शंस के बारे में पता होगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और एक ऐसा पार्ट है जिसकी ज़रूरत आपको भी कई बार पड़ती होगी, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उससे पहले डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बता दूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ई वे बिल्स जनरेटेड बाय मी। तो यहाँ पर आप डेट वाइज देख सकते हैं कि कितने ई वे बिल जो है वो जनरेट हुए हैं, कौन कौन सी डेट को। ई वे बिल कैंसल्ड बाय मी, यहाँ पर कैंसल्ड की डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन से ई वे बिल कौन कौन सी तारीख को कैंसिल हुए हैं। अगर कोई ई वे बिल आपने रिजेक्ट किया है, दोस्तों रिजेक्ट हम उन ई वे बिल्स को करते हैं जो किसी और पार्टी ने हमारे लिए इशू किए होते हैं। सपोज कीजिए किसी पार्टी ने हमें मटेरियल भेजना है और हम चाहें तो उसका ई वे बिल यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ई वे बिल जनरेटेड बाय अदर पार्टी ऑन माई GSTIN, अगर आपके GSTI नंबर पर किसी अदर पार्टी ने ई वे बिल जनरेट किया है तो आप यहाँ से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, ओके। और माई ई वे बिल्स रिजेक्टेड बाय अदर पार्टी, अगर मैंने किसी पार्टी को ई वे बिल काटा है, बिल भेजा है, और वो पार्टी अगर यहाँ पर कैंसिल करती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर कोई ई वे बिल पेंडिंग है पार्ट बी के लिए तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी डैशबोर्ड की बात। अब बात करते हैं दोस्तों, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है पुराने ई वे बिल की प्रिंट आउट की। तो हम पुराने ई वे बिल्स का प्रिंट आउट कैसे लेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपके पास ई वे बिल वाली ऑप्शन के सबसे लास्ट में प्रिंट ई वे बिल की एक ऑप्शन होती है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे ई वे बिल नंबर जो है वो पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास ई वे बिल नंबर है तो आप यहाँ पर सिंपली नंबर फिल करेंगे और अपने ई वे बिल का प्रिंट आउट ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ई वे बिल नहीं है, ई वे बिल का नंबर नहीं मालूम आपको, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो उसके लिए आपने होम पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट्स की ऑप्शन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, माई ई वे बिल रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज पे जाना है। अगर आपने मटेरियल भेजा है किसी को और आपको नहीं पता कि कौन सी डेट को गया है, कब गया है आउटवर्ड सप्लाईज, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ सकती है। अगर आपको डेट नहीं मालूम एग्जैक्ट, तो आप यहाँ पर वीकली जो डेट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं आज से 4 दिन पहले की डेट डाल देता हूँ, 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक में जितने भी ई वे बिल जनरेट हुए होंगे उनकी समरी जो है मैं यहाँ से इजीली चेक कर सकता हूँ। इसको चाहूँ तो मैं घटा भी सकता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पर गो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर डेट्स के बीच में जितने भी ई वे बिल जनरेट हुए हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ई वे बिल का नंबर जो है वो शो हो रहा है, आपने यहाँ पर ई वे बिल नंबर जो है वो कॉपी कर लेना है। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस से होम पर जाना है, उसके बाद ई वे बिल पे क्लिक करना है और प्रिंट ई वे बिल वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उसी ई वे बिल को नंबर को पेस्ट कर देना है, ओके। उसके बाद आपने गो पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने गो पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने जो ई वे बिल है वो शो हो रहा है और मैं चाहूँ तो इस ई वे बिल नंबर का जो है प्रिंट आउट ले सकता हूँ। तो इसी तरह से आप भी चाहें तो बैक डेटेड ओल्ड जो ई वे बिल है उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।